A71 सैमसंग पैचिंग होते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमारे पास एम ट्रायंगल मशीन है, ये एज वाली नहीं है। इस पे पहले किसी ने वीडियो नहीं बनाई, फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि जिस जिस भाई के पास एज वाली मशीन नहीं है, वो सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं, यार इस पे पंच करेंगे तो क्या होगा। मैं दिखाता हूँ क्या होगा, देखते हैं। ओके हो जाता है तो आप भी इजीली इस मशीन पे बना सकते हैं पैनल। अगर कोई मसला आता है तो आपको पता चल जाएगा। सो आपने इस पे नहीं बनाना, मैं भी पहला पैनल बना रहा हूँ, इस पे देखते हैं। पेंच होने के बाद पैनल को बाहर लाएंगे और ये काफी सारे बबल छोड़े हैं इसने जगह जगह पे, ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको रोशनी पे दिखाते हैं, लाए जरा करीब करके, ठीक है। सैमसंग A71, ठीक है। पेच होने के बाद ये कंडीशन है। अब बबल रिमूवर में रखते हैं इसको, देखते हैं ये क्या करता है, हमारी हेल्प करेगा या नहीं। वैसे तो जो बबल रिमूवर का टाइम है वो 10 मिनट का है, हम इस पैनल को रखेंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद बाहर निकालेंगे और आपको बताएंगे क्या कंडीशन है, बबल कितने रिमूव हुए, बिल्कुल रिमूव हो चुके हैं या कुछ रह गए इसमें। ये अपने 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब पैनल निकालेंगे, देखते हैं कैसी बनी है एलसीडी, बबल रिमूव हुए हैं या नहीं, क्या है क्या नहीं है। शिट, बाकी तो ओके हो गए हैं, ये नीचे बबल रह गए हैं 3-4। दोबारा रख के देखते हैं, दिखा पा रहे हो ये, लाने दो रोको। ये जी ये देखें, हमारा पैनल तैयार हो चुका है, माशाल्लाह जबरदस्त, नो डाउट। दोबारा हमने वो बबल रिमूव किए, 2 से 3 मिनट में क्लियर हो गया पैनल हमारा, मतलब एम ट्रायंगल 102 मॉडल में आप ये काम कर सकते हैं। एज वाली नहीं है ये, बगैर एज के, ठीक है, इजीली आप इसमें पैनल बना सकते हैं।